नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का। मॉर्निंग न्यूज में आज आपको उन बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जो आज देश में होने वाली हैं। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां, और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज से शुरू होगा T20 मैचों की सीरीज। ऐसी ही तमाम खबरों के बारे में आइए आपको बता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी 8 नवंबर से प्रचार अभियान में जुटेंगे। बता दें कि इसकी शुरुआत वे पश्चिमी यूपी से करेंगे। मंजलपुर में आज यानी 8 नवंबर को शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेला आयोजित होगा। बता दें कि ये मेला डीकेडीएल प्राइवेट ITU काजू चरवा परिसर में होगा। विभिन्न कंपनियां अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 T20 मैचों की सीरीज की शुरुआत आज यानी 8 नवंबर से हो रही है। बता दें कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया में कई नए चेहरे को मौका दिया गया है। कांकेर जिला पेंशनर समाज की मासिक बैठक आज यानी 8 नवंबर को दोपहर 2 बजे पेंशनर भवन में आयोजित होगी। बता दें कि सचिव शिव सिंह भदौरिया ने बताया, बैठक में कन्याकुमारी में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन के संबंध में चर्चा की जाएगी। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में जिला फुटबॉल संघ बस्तर के तत्वाधान में आज यानी 8 से 17 नवंबर तक 11 दिवसीय अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 आयोजित होगी। बता दें कि इसका उद्घाटन प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर में गुरुवार 7 नवंबर को होगा। झालरा पाटन के प्रसिद्ध एवं प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर पर आज यानी 8 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव आयोजित होगा। बता दें कि पुष्टि भक्ति सत्संग समिति के प्रवक्ता रविराज पाटीदार ने बताया कि इस मौके पर भगवान द्वारकाधीश के समक्ष 56 प्रकार के व्यंजन बनेंगे। जिला पंचायत की ओर से मेला ककोड़ा का झंडी पूजन कार्यक्रम आज यानी 8 नवंबर को होगा। बता दें कि झंडी पूजन के बाद फिर मेले का उद्घाटन मुख्य कार्यक्रम है। बता दें कि जिसको लेकर जिला पंचायत में असमंजस बरकरार बना हुआ है। हरिद्वार के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रोशनाबाद में अप्रेंटिस मेले का आयोजन आज यानी 8 नवंबर को सुबह 10 बजे से होगा। बता दें कि ITI डिप्लोमा और स्नातक को 3 अभ्यर्थी पंजीकरण कर सकते हैं। गुजराती समाज द्वारा आज यानी 8 नवंबर को संत जलाराम बप्पा की जयंती मनाई जाएगी। बता दें कि इसको लेकर शाम 5 बजे से गुजराती समाज विकास मंडल के तत्वाधान में सामाजिक भवन से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बिहार के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में आज यानी 8 नवंबर से न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट देखी जाएगी। इसके बाद से लोग ठंड महसूस करेंगे। साथ ही अंत में आपको आज के दिन से जुड़े कुछ रोचक इतिहास के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1917 में प्रसिद्ध भारतीय महिला चिकित्सक कमल रणदिवे का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1945 में हांगकांग में नौका दुर्घटना में 1550 लोगों की मौत हुई थी। आज ही के दिन सन 1999 में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 331 रन की साझेदारी कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। आज ही के दिन सन 2020 में सिक्किम के भूतपूर्व चौथे मुख्यमंत्री संचमान लिंबू का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 2008 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। फिलहाल के लिए मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।